आज हम लोग जा रहे हैं वीवो के एक मोबाइल लॉन्चिंग इवेंट में, तो चलो जी हम अंदर चलते हैं। इतने लोग नहीं है, मैं फिर भी जल्दी आ गया, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। हाय हाय हाय, फुल पप्पू बन के आपका भाई आया था, बट धुएं की वजह से, रश की वजह से हालत टायर्ड हो गई। चलो जी अंदर। बहुत चाइनीज बैठे हुए हैं, वो खड़ा हुआ है चाइनीज। में ये वीवो का V40 हाथ में लग गया है भाई साहब। इधर लाइटिंग अच्छी है, हाय 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 हाय। कैमरा वगैरह चेक करते हैं इसका कैसा है। वाओ, इसका मैट फिनिश बड़ा प्यारा है, और ये गिलास मुझे लग रहा है प्लास्टिक है ये, पर यार तस्वीरों में देखो बड़ा बदसूरत नजर आ रहा है, रियल में जो है ना बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। ये क्या हो गया, टच हो गया। उफ, कर्व डिस्प्ले इसका बड़ा प्यारा है, ये देखो। ये मेरा पिक्सल का है रिजल्ट, खुद आप लोग देख लो, ये फ्रंट कैमरा दोनों का, बट इसमें ये है ठीक है वीवो का, और ये है मेरे पिक्सल का। अब वीवो वाले में जो है ना वाइड एंगल का सीन नहीं है, यानी कि जैसे मेरे ये मैंने अपने पिक्सल में कर लिया वाइड, तो ये वाइड का ऑप्शन जो है ना मेरे मतलब इस वीवो में नहीं है, बस इसका इतना ही वाइड है। और चलते चलते जो है ना दोनों इसका स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेने, केसी इसकी स्टेबलाइजेशन। ओ डांस सामने चल रहा है। पिक्सल मेरे वाले पिक्सल में जो है ना यार नेचुरल टोन है, और इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है। कब से मैं इसके बारे में सोच पूछ रहा था क्या चीज़ है, अब पता चली कि इसके अंदर जो ना ये जो अभी नया हेडलाइट है ये जीस का कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसके बारे में इतना तो नहीं आइडिया मुझे क्या है ये, बट जीस है। अब इस इवेंट में जब ये शुरू होगा, जब पता चलेगा कि क्या जीस का ये सीन है, वो ये तो अभी पता चला भाई साहब। इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ है भाई साहब, ये स्टैंडर्ड पे 60 पर रुका हुआ था। इसको मैं करता था स्मार्ट स्विच पे, अपने यूज़ के हिसाब से ये स्विच ही होता रहे। आपने जब बोला है थोड़ी बहुत तारीफ ड्यूटी करना ज़रूरी है। वीवो को एक चीज़ अच्छी लगती है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया ही लेकर आया। इस बार ये जीस का कैमरा है, इससे पिछले पिछली दफ़ा शायद ये कर्व डिस्प्ले लाया था, क्योंकि इसका पुराना वाला मोबाइल मेरे भाई के पास भी है जो कर्व डिस्प्ले। मज़े की बात है, एक मेरा इसके अंदर जो ना मेरा फेवरेट ऑप्शन है ये क्विक शेयर वाला, जो एंड्रॉयड में जो ना हर मोबाइल में नहीं आता, जो उस वीवो में है। तो इससे क्या, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मुझे एक डेमो ऐसे चेक करने के लिए दिया है, तो मैं इसमें जो भी वीडियोज़ मैंने अब तक बनाई है ना, ये सीधा जो है ना मेरे मोबाइल में क्विक शेयर हो गया। एक सेकंड में जो है ना 15 से 20 तस्वीरें और वीडियोज़ आराम से शेयर हो गई। ये ऑप्शन जो है ना ये एंड्रॉयड ज़्यादातर पिक्सल्स में आता है, ये इसके अंदर भी आ गया तो यार अलग ही बात है यार, ये ऑप्शन हर किसी में नहीं आता। बट कमाल है भाई, इस मोबाइल में कुछ किया है इन लोगों ने मेहनत। कस्टमर बड़ा प्यारा होता है यार, ये देखो ये जो बायोमेट्रिक की जो इसकी वो है ना डिस्प्ले, वो देखो अभी सर्कल है, यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये बॉक्सिस आ गया। 12+12 24 GB, यानी कि समझो 12 GB एक्चुअल रैम है और 12 GB शायद बोलने वाली रैम है। भारत इतनी रैम का पता नहीं क्या काम है, मगर जो है मेरे फ़ोन में 8 GB रैम है, वो मेरे लिए इनफ है, वो बहुत है मेरे लिए। वहाँ पे जो है ना सबको बुला के जिन जो को जो जो इनवाइटेड है ना वहाँ पे सिग्नेचर कराने बोर्ड पे, मैंने भी यहाँ पे सिग्नेचर करी अपनी वहाँ पे उठ पे उधर, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, और आपके भाई को भी गिफ्ट मिल गया साथ ही साथ, आए मज़े और वो और आए दो मज़े। तो मैं वीवो चाइनीज़ ब्रांड है ना, तो नहीं पता उनको बता दूँ। चलो भाई, 1 घंटे के बाद ये इवेंट फाइनली शुरू हुआ, थक गया मैं तो भाई। डांस परफॉर्मेंस मतलब एक कल्चरल डांस है इनका, देखते हैं। ये लोग जिस AI इरेजर की बात कर रहे हैं ना अभी, इसमें AI इरेजर ये चीज़ हटा दीजिए इसे, ये पिछले 3 साल से मेरे इस पिक्सल के अंदर मौजूद है ये वाला ऑप्शन।
लॉन्च इवेंट में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना बोर हो गया हूँ ना मैं यार मोबाइल का, फुल थक गया हूँ, कब खत्म होगा मैं तो ये बोल रहा हूँ। अल्लाह मैं बोर हो गया। S24 ने कब डिस्प्ले खत्म कर दिया, इससे पहले तक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब उसका जो है ना हाइप खत्म हो चुका है कर्व डिस्प्ले। जो है कवाली का सीन अब शुरू हो गया, तो मैं ज़रा बाहर आया हूँ ज़रा ये खाने पीने का सेटअप देखने। सामने डेजर्ट्स जो है ना रेडी हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सब खाने के बुफेस लगे हुए हैं। हाय हाय, मैंने बोला कि ज़रा बाहर का माहौल ज़रा देख करना है। खैर अभी यहाँ पे चाय का स्टॉल है, इसके अंदर पता नहीं क्या, इन सब के अंदर नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। और यहाँ पे डेजर्ट्स सज रहे हैं, अरे वाह मार्शमेलो का चॉकलेट फाउंटेन भी है, वाओ। सब डेजर्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं और यहाँ पे रोटी छोटी लग रही ही है। चलो वापसी बाहर चलते हैं अपनी टेबल। इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़, वो कवाली का सीन, अब मज़े वाला सीन, चलो अब नींद नहीं आ रही है। अभी माहौल बना अच्छा बेहतरीन। भाई रश छुटा है भाई, डिनर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे रश का पता खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।